चरखी दादरी का रुख करेंगे, जहां परिचालक और यात्री के साथ हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ है। रोडवेज बस के अंदर परिचालक से हाथापाई की गई है। रोहतक में सुखपुरा चौक के पास ही झगड़ा हुआ। टिकट नहीं लेने पर कंडक्टर और युवक के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने हाथापाई करनी शुरू कर दी। सुखपुरा चौक के पास ये झगड़ा हुआ। टिकट युवक ने नहीं लिया था, जिसका विरोध किया और मारपिटाई भी शुरू हो गई। पीछे बैठे एक यात्री ने इसका पूरा वीडियो बना लिया। और काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। युवक ने गलती की थी, उसने टिकट नहीं लिया था, और जब कंडक्टर ने उससे टिकट लेने के लिए कहा, युवक ने विरोध किया। इसी विरोध पर बात इतनी बढ़ गई, नौबत मारपिटाई तक आ पहुंची। प्रदीप साहू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, नियम कायदों की अगर बात की जाए तो प्रत्येक नागरिक जो इस देश में रहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नियमों का पालन करे। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टिकट लें और टिकट करके ही यात्रा करें। लेकिन ये शख्स तो मनमानी कर रहा था, टिकट नहीं लिया और मांगने पर विरोध भी किया। बिल्कुल पूजा, जिस तरह यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो ये मेट्रो का पूरा मामला है, ये वीडियो वायरल हुई है, जैसे इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो यात्री है, युवक है, उसके द्वारा चालक परिचालक के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। और इसमें स्पष्ट रूप से ये सामने दिखाई दे रहा है कि जो युवक है उसने टिकट नहीं ली और टिकट लेने को लेकर ये विवाद हो और विवाद ये हाथापाई तक जो पहुंच गया है। हालांकि इस मामले में रोडवेज अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है और परिचालक है, उनसे हमारी बातचीत हुई। परिचालक का ये कहना है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण ये पूरी इस तरह की नौबत आई। जी शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।